जय भूतरा एंड आई एम एन इंडस्ट्रियलिस्ट। कल शाम को मैंने आपके पास में कुछ बातें रखी। आई एम विजय भूतरा एंड आई एम इन द प्रोफेशन ऑफ मेकिंग रेजिन्स विच इज वेरी सिमिलर टू योर्स। वी मेक केमिकल्स विच बॉन्ड्स सर्टेन प्लाईवुड। सो मैं भी जोड़ने का ही काम करता हूँ जो आप बाय वे ऑफ योर स्पिरिचुअल। आई हैड बीन टू एयरपोर्ट, वी रिसीव्ड यू। आई हैड बीन हियर यस्टरडे, आई वॉज टूडे अगेन इन योर कॉन्फ्रेंस एंड आई एम हियर राइट फ्रॉम बिगनिंग। ड्यूरिंग द इंटायर सेशन व्हाट कंक्लूजन आई हैव अराइव्ड फ्रॉम योर लेक्चर्स अबाउट थ्री थिंग्स। यू हैव टोल्ड मूर्ति पूजा इज नॉट एक्सेप्टेबल, दैट इज वॉट आई गैदर्ड फ्रॉम योर। इट इज नॉट एक्सेप्टेबल इवन इन द वेदास। यू हैव कोटेड सर्टेन रिचुअल, सर्टेन दिस वन आए तो मैंने वहां की कुछ श्लोक आपने पढ़ी। लेट मी टेल यू, आई एम नॉट अवेयर ऑफ द वेदास एंड उपनिषदस। आई एम अवेयर ऑफ लिटिल बिट ऑफ भगवद गीता विच वी टेक इट प्रायोरिटी इवन इफ मच मोर वेटेज than the Vedas and Upanishads. Then you have told yesterday that other than Quran, please excuse me, I am not underestimating Holy Quran, not at all, my intention is not at all there. But you have told Keval Quran He, you have added the word yesterday, He is the law of today which can rectify the people today. You have undermined the entire others, not even Bible, not even Gita, everything. Nothing is relevant today, only Quran is relevant. I am coming, sir. Please excuse me, you'll have to give me some time. Because I personally would like to meet you also. And then third, you have touched all 3 days, Kalki Puran, which you have told ki Pagambar is the last avatar. There will not be any avatar. For that also, you have given illustration from Vedas. Now let me tell you, sir. नहीं ऐसा है सर, मैं कर देता हूँ सर। 10 बज चुके हैं फिर भी मैंने मौका दिया। अगर आप ज्यादा करेंगे हमको यहाँ लॉ का इख्तियार रखना चाहिए नहीं? टाइम खत्म, इतना लंबा वक्त आपको माइक्रोफोन आने के लिए, आप नहीं आया। 10 बजने के बाद आप खड़े होते और इतना लंबा सवाल पूछते, मैं जवाब देने को तैयार हूं। अगर पुलिस इजाजत देती मैं देता हूं। कोई बात नहीं, माय लेट माय क्वेश्चन बी इनकम्प्लीट एंड लेट द आंसर बी नॉट देयर। व्हाई यू कमिंग सो लेट? आई एम सॉरी फॉर दिस, माय टर्न डिड नॉट कम। कंप्लीट योर क्वेश्चन, कंप्लीट योर थर्ड क्वेश्चन। नो नो, इफ यू परमिट, इफ यू द एवरीथिंग बट इज सेइंग, नो प्रॉब्लम। कल इंशाल्लाह भाई साहब पहला सवाल जवाब दूंगा आपको। कल फर्स्ट क्वेश्चन यू आस्क। Yes. First question, inshallah. Thank you. I want to reply to you. In public. Thank you. In public, not privately. I am also going to put the questions in public, sir. Inshallah. I also put my question, entire question, oh, sure, tomorrow in public, sir. Thank you. Thank you. Vijay Bhutra, and I am an industrialist. Kal saam ko maine aapke paas mein kuch baatein rakhi. मैंने उस बातों को लेकर के रात भर काफ़ी मनन किया सर, और काफ़ी मेरे मित्र जो कलकत्ते में पंडित है, विद्वान है, उनसे बात की। एंड विश्वास कीजिए सर, आई कुड नॉट स्लीप थ्रू आउट द नाइट। आपसे मिलना चाह रहा था सवेरे, बहुत चेष्टा की, बट अनफॉर्चुनेट इतने आपका बेस्ट कार्यक्रम मिल नहीं पाया। बात करने के बाद में मैं अब आज अभी इतना सुकून महसूस कर रहा हूँ आपके सामने अपनी बात रख करके, कि आपने जो जो बातें कही 3 दिनों में वो सब सही, और आपके निर्णय जितने भी से सब ठीक थे, कहीं आपने गलत नहीं कहा। मैंने जब प्रश्नों पर गौर किया तब मुझको ये समझ में आई कि मेरे को प्रश्न ही नहीं करना चाहिए था। इसके साथ में अब ये तो हुआ मेरे प्रश्न, मैं आपसे कुछ मेरा एक्सपीरियंस विद किशनगंज, मेरे बंधुओं के साथ में जो मैं यहाँ करता हूँ, शेयर करना चाहूँगा। और उसके लिए आपसे इजाज़त है सिर्फ 2 या चंद मिनटों की। सर, मैं किशनगंज में जब भी रहता हूँ मेरा अधिकतर समय है मेरे भाइयों के साथ में बिकता है। मैं मुसलमान शब्द का इसलिए यूज नहीं कर रहा हूँ, मैंने यहाँ पर भाइयों के आगे मुसलमान शब्द का इस्तेमाल इसलिए नहीं किया सर, क्योंकि मैं अपने आप को उन्हीं के बीच कह पाता हूँ।
सो मैं ये मुसलमान और हिंदू बोल के डिफरेंस नहीं करना चाहता हूँ। आपको एक छोटी मिसाल देता हूँ सर, हमारे यहाँ पर सैयद मजरूल हसन जी हैं, उनके रमजान के पवित्र महीने में हम यहाँ पर एक आयोजन करते हैं इफ्तार का। विश्वास मानिए सर, उस समय इतना पवित्र वातावरण रहता है यहाँ पर और इतनी खुशी लगती है, उसका पूरा दायित्व मजहर भाई हम लोगों के ऊपर दे देते हैं, हमारे और भी हिंदू मित्र हैं उनके ऊपर में देते हैं। और जब 5 बजे की नमाज होती है और उसके बाद का जो समा रहता है वो देखने के बाद में जब हम उन्हें इफ्तारी कराते हैं सर, तो विश्वास कीजिए मुझको लगता है कि मैं उनमें से एक ही हूँ, मैं अलग नहीं लगता हूँ। इतना अच्छा पवित्र वातावरण उसमें, आज मेरे यहाँ पर बींग एन हिंदू इवन अगर मुझे बोला जाए तो गुफरान भाई, शंभू भाई, मैं किन किन का नाम लूँ सर आपको, पप्पू भाई, हिंद मुस्लिम भाई, इतने भाई हैं मेरे, सब भाई हो जाते हैं। तो मैं इतना वातावरण अपने को पाता हूँ उसके साथ में। अभी छोटी मिसाल देता हूँ सर, आपने जो बीड़ा उठाया है हिंदू अलग दूसरे कास्ट में गलत धारणाओं को दूर करने का, उसके प्रयास में मैंने भी एक काम किया। एंड मैं इसलिए बोल रहा हूँ उसको कि अभी मेरे लड़के की शादी थी, मेरे संबंधी निचले हिंदू हैं, उनके मन में काफ़ी गलत धारणाएं बैठी हुई थी। मेरे यहाँ से कुछ मेरे खास मित्र बंधु वहाँ पर गए, एंड लेट मी टेल यू 3 दिन उनके लौटने के बाद में उन्होंने मुझको फ़ोन किया, बोले भूतरा जी आपके जो मित्र यहाँ पर आए थे उनसे मिल करके केवल उनकी प्रेजेंस से और उनसे थोड़ी बातों से हमारी काफ़ी धारणाएं दूर हो गई। अब मैं उनके प्रति कभी भी कोई मेरी कोई ऐसी बात नहीं रहती है जिससे, जैसे मसलन मान लीजिए मांसाहारी थोड़ा इस तरह का उनका एटीट्यूड था, लेकिन जब उन्होंने देखा तब उन्होंने मतलब ये कहा, बोले कि इतने बढ़िया व्यवहार और इतनी बड़ी नेकी भाईचारा का व्यवहार, बहुत खुश हुए। तो मेरा कहना ये सर, इस्लाम के प्रति मेरी ये अच्छी धारणा है कि आज ये भाईचारा और ये फैलाने में बहुत बड़ी सार्थकता होती है इस्लाम में, और मैं तहे दिल से आपका स्वागत करता हूँ सर। एंड मेरे पास में अब कोई क्वेश्चन नहीं रह जाता सर आपके, सैल्यूट टू यू सर, थैंक यू। माशाल्लाह भूतरा साहब माशाल्लाह करीब भाइयों में से है, और कल रात को वक्त की तंगी होने की वजह से उनने 3 सवाल किया था और मैं चाहता था जवाब दूं, लेकिन जहाँ तक ये लॉ का सवाल है कि 10 बजे ख़त्म होना चाहिए इसलिए ख़त्म करना पड़ा, तो मैंने उनसे कहा कि पहला मैं आपको मौका दूंगा एक नहीं 3 सवाल पूछने का। लेकिन भूतरा साहब ने कहा कि पूरी रात नहीं सोई, उनने कोशिश की पंडितों से पूछे और चेक किया जो मैं चाहता हूँ, और उन्हें इत्मीनान हो गया कि जो भी मैंने कहा सच कहा माशाल्लाह। और मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपकी ये शहादत मेरे जवाब से और अच्छी है माशाल्लाह, मेरे तकरीर से अच्छी है। और यही मेरा हमेशा फलसफा रहा, मैं कभी भी नहीं चाहता हूँ कि हिंदू मुस्लिम में कभी भी भेदभाव हो या कभी भी आपस में नफरत हो। जरूरी नहीं कि जो मैं बोलता हूँ हर एक आदमी बात माने, और जो मेरी बात नहीं मानता है उसको मैं पहला मौका देता हूँ ताकि जो हमारे दरमियान जो गलत फहमी है वो दूर हो। इसीलिए मुझे बहुत दुख हुआ कि मैं आपका जवाब न दे सका कल, बहुत दुख हुआ मुझे। कहूंगा सिर्फ जी बोलिए। मुझे याद है आपका प्रेस इंटरव्यू, जब आप जिस दिन यहाँ पर किशनगंज में आए थे तो किसी पत्रकार ने आपसे कहा था कि मंजिल एक है, रास्ते अलग अलग हैं क्या, तब आपने तुरंत उन्हें जवाब दिया रास्ते भी एक है। उस दिन से लेकर के कल उस विचार पर भी मैंने सोचा, तो वास्तव में आपका कथन एकदम सही है सर। मैं इसमें थोड़ी तब्दीली करता हूँ अपने मन से कि मंजिल भी एक है सर, रास्ते भी एक है। हम हो सकता है रास्ते में अकेले चलने में थोड़ा घबरा जाते हैं, इसीलिए किसी का सहारा ले लेते हैं, मूर्ति पूजा या किसी का सहारा ले लेते हैं, बट कहीं दूर तक जाने के बाद में अल्टीमेटली आप और मैं और तू एक हो जाते हैं और फिर अकेला रह जाता है हम। भाई साहब भूतरा साहब आप बोलते कहीं ना कहीं आगे जाके एक होते, मेरी ख्वाहिश है कि यहाँ से एक हो, अगर यहाँ से एक हो जाए ठीक बात, तो बात ही कुछ और है। थोड़ा डर लगता है सर, मैं चाहता हूँ कि आपके साथ में ज्यादा वक्त बिताऊं, कहीं आगे जाके एक हो तो बहुत दूर हो जाएंगे कभी हम रहे ना रहे, मेरी ख्वाहिश है कि हिंदू मुस्लिम यहाँ से एक हो। सर ऐसा है, हम आपके बनस्पत
हो सकता है थोड़े कमजोर दिल के हो सर, इंशाल्लाह इसीलिए हमें किसी सहारे की दरकार पड़ती है। अब बाकी कहीं पर कहीं ना कहीं हम मिलते जरूर हैं सर आपसे। बहुत बहुत शुक्रिया। और जो आपके पहले जो भाई साहब ने सवाल भी किया था, जो जैन साहब थे, लोग को कभी कभी बुरा लगता है, मैंने ये कहा भाई आप भी मेरे कुरान में से कुछ ऐसी चीज बताओ जो आपके भगवत गीता आपके वेद से मिलते, वो मैं 100% मानूंगा। मैं डबल स्टैंडर्ड नहीं हूँ, लोग को लगता है क्योंकि मैं इससे बात करता हूँ, लेकिन जो लोग तहकीक करते वो मेरे करीब आते, जो लोग तहकीक नहीं करते वो हो सकता है मुझसे दूर जाते। लेकिन अक्सर जितने गैर मुसलमान मेरे तकरीर सुनते अक्सर इतने बोल सकता हूँ कि मोर देन 80% अल्हम्दुलिल्लाह 80% से ज्यादा, अभी वो 90 है क्या 85 वो मैं नहीं कह सकता हूँ या 95 है, लेकिन 80% से ज्यादा माशाल्लाह जितने गैर मुसलमानों से मिलता हूँ हो सकता है 90% से ज्यादा, वो जब जानते हैं कि मैं डोगले पना नहीं करता हूँ, जैसे बाकी जितने धार्मिक के है धार्मिक प्रचार करने वाले, मैं बोलता हूँ आपने ये कि आप मानेंगे नहीं मानते, मैं कहता हूँ कि धार्मिक किताबों पर अमल करो और जो यक्षा है कम अज कम उस पर अमल करो, जो डिफरेंस है वो बाद में, क्योंकि जो आपने कहा मैं भगवत गीता से भी कोट कर सकता था, क्योंकि भगवत गीता है वो निचोड़ है वेद की, और भगवत गीता में भी चैप्टर नंबर 7 वर्स नंबर 20 में लिखा है क्या, ऑल दोज हुज इंटेलिजेंस हैज बीन स्टोलन बाय मटेरियल डिजायर्स दे वर्शिप डेमिगॉड्स, मतलब जो लोग की भावना पैसे से खींची जाती है वो लोग गलत खुदा की इबादत करते हैं। आप आगे पढ़ेंगे भगवत गीता चैप्टर नंबर 7 वर्स नंबर 21-22-23 में श्री कृष्ण कहते हैं कि जो लोग गलत भगवान की पूजा करते हैं फिर भी जो एक ईश्वर है उनकी चीज को मान लेता है, उनके दुआ को कबूल करता है, लेकिन जो गलत ईश्वर की पूजा करते हैं वो गलत जगह जाएंगे, जो सही एक ईश्वर की पूजा करते हैं वो सही ईश्वर के पास आएंगे। अब इतनी छोटी तकरीर में मैं वेद भगवत गीता सबका तो मैंने दे सकता हूँ। एक मेरी तकरीर है सिमिलैरिटीज बिटवीन इस्लाम एंड हिंदुइज्म, इस्लाम एंड हिंदुइज्म में यकसानियत, अगर मैं सिर्फ हवाले दूंगा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र तो 1.5 घंटा लगता है, सिर्फ मैं तौहीद का जिक्र करूंगा एक भगवान का वेद में भगवत गीता में, भगवत गीता भी पढ़ चुका हूँ, लेकिन मुमकिन नहीं क्या एक छोटे से सवाल जवाब सेशन में मैं सब कहूँ। तो इसीलिए मैं बहुत खुश हूँ कि आपने मेरा काम आसान किया, आपने खुद तहकीक की, और मैं चाहता हूं कि जिस तरीके से भूतरा साहब ने जो तहकीक किए, मैं चाहता हूं कि जितने यहाँ गैर मुसलमान हैं वो भी तहकीक करें अपनी धार्मिक किताब के बारे में, इंशाअल्लाह हम सब इंसान एक हो जाएंगे और एक ईश्वर की इबादत करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। अगला सवाल माइक नंबर 2 से, अगर वहां पर कोई गैर मुस्लिम भाई मौजूद हैं। आई एम मिस्टर पी के यादव एवं स्टिल वर्किंग ओके दिल्ली, और अर्थात मैं इस्लाम में दाखिल होना चाहता हूँ। डॉक्टर साहब मैं उससे हिंदी लफ्ज़ की जो पुराने चाहता हूँ। भाई साहब ने कहा कि वो इस्लाम में दाखिल होना चाहते, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप मानते हैं कि खुदा एक है? जी खुदा एक ही है, भगवान एक ही है। आप मानते हैं कि मूर्ति पूजा गलत है या सही है? गलत है। माशाल्लाह, आप मानते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है? यस। आपको कोई भी जबरदस्ती कर रहा है इस्लाम कबूल करने पे? नो। कोई भी आपको दबाव दे रहा है, कोई भी प्रेशर? नो नो। कोई भी रिश्वत दे रहा है? नहीं। आप अपने मन से करना चाहते कबूल? यस। तो इंशाल्लाह, क्योंकि जैसे मैंने कहा पहले भी कि इस देश में किसी को जबरदस्ती कोई दीन में लाना मजहब तब्दील करना हराम है, और इस्लाम में भी किसी को जबरदस्ती मुसलमान बनाना हराम है, लेकिन आप अपने दिल से अपनी मर्जी से अगर अपना मजहब तब्दील करना चाहते हैं, आप अगर चाहते हैं कि मुस्लिम बने, तो कोई आपको रोक नहीं सकता है। इंशाल्लाह मैं अरबी में कहूंगा, आप उसे दोहराइए, अशदु अशदु अल्लाह अल्लाह इलाहा इलाह इल्लल्लाह इल्लल्लाह व अशदु अन्ना अन्ना मोहम्मदन मोहम्मदन अब्दुहु अब्दुहु रसूल। मैं शहादत देता हूँ के अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाह अलैहि वसल्लम उसके पैगंबर और बंदे हैं। माशाल्लाह, मुसलमान हो चुके। यस। और मैं अल्लाह सुब्हान व तआला से दुआ करूंगा इंशाल्लाह
कि आपको इस दुनिया और आखिरत में बेहतरीन जिंदगी दे और इंशाल्लाह आपको जन्नत नसीब फरमाए और इंशाल्लाह आपके जरिए और लोगों को भी हिदायत दे। जज़ाकअल्लाह खैर।